ये पॉसिबल हुआ सिर्फ आप लोगों के प्यार के वजह से। आई होप कि आप सबको पता होगा कि किसी भी YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजने के लिए अबाउट 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 वॉच आवर्स का थ्रेशोल्ड पूरा करना पड़ता है हमें। सो मैंने पर सुबह देखा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो चुके थे। फर्स्ट उसके तीन स्टेप्स होते हैं। एक एक्चुअली आपको उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, देन आपको अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, देन वो थर्ड प्रोसेस वो अपने आप शुरू हो जाता है, वो रिव्यू के लिए चले जाता है आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए। सो मैंने परसों सुबह देखा कि मेरे पूरे थ्रेशोल्ड उनका कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने परसों उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, देन गूगल एडसेंस बनाया जो कि मेरा 4 से 5 घंटे में वेरीफाई हो चुका था। 12 से 1 बजे के लगभग वो कंप्लीट हुआ और मेरा अकाउंट चल गया मोनेटाइजेशन के प्रोसेस के लिए, रिव्यू के लिए। आज रात को उसके 2 दिन कंप्लीट होंगे और मैंने मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स में देखा हुआ है ज़्यादातर 2 दिनों के अंदर हो ही जाता है मोनेटाइजेशन। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आज रात तक मेरा भी मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाए। होप सो यार, हो जाना चाहिए। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है तो हम आपसे सीधा सुबह मिलते हैं जिम में। कल हमारा वर्कआउट एंड बैक एंड शोल्डर आपको पूरी उसकी वीडियोज दिखाते हैं। सुबह के 10:30 बज चुके गाइस और मुझे वापस से नींद आ रही है तरुण का वेट करते करते। देखा जाए इसे कर क्या रहा है ये। फाइनली कर रहे चलो ना। 11 बजे मॉर्निंग वॉक करते करते हम पहुंच चुके हैं अपने जिम। बढ़िया तरुण बढ़िया। Just wish he knew. Just wish he knew.
तो गाइस हम आ चुके हैं अब जिम से वापस, साथ ही साथ एक मील लेकर, और तरुण जा चुका है अपने रूम में। रूम के बैकग्राउंड को देख के हमें जज मत करना, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल है ये, और बॉयज़ हॉस्टल में सारे रूम्स आपको ऐसे ही मिलेंगे कचरे टाइप। अगर आप किसी गर्ल्स हॉस्टल में जाओगे तो मे भी आपको थोड़ा साफ सफाई मिले, बट बॉयज़ हॉस्टल में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और साथ ही साथ आज मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। ये पॉसिबल हुआ सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें। आने के बाद काफ़ी स्वेटी फील कर रहा हूँ मैं, तो चलते हैं नहा धोवा के, फ्रेश होते हैं, मिलते हैं सीधा आपसे शाम में। इस वीडियो में अपनी डाइट के बारे में बिल्कुल भी शो नहीं किया हुआ है, मैं अपनी डाइट के लिए प्रॉपर एक वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कम खर्चे में एक हॉस्टल लाइफ में आप कैसे डाइट को मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि हमारे हॉस्टल है यहाँ पर हमें कुछ भी बॉयल वॉयल करने को नहीं मिलता है, तो कितने कम से कम खर्चे में हम अपनी डाइट को मेंटेन कर सकें, आपको प्रॉपर एक वीडियो में प्रॉपर एक ए टू जेड दिखाऊंगा। यहाँ पर रहते विरार में ये एरिया काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमें हर ज़रूरत के सामान जस्ट अगल बगल में मिल जाते हैं। अभी मैं आ रहा हूँ जैसे दूध लेकर, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पे हर तरह की शॉप्स आपको अवेलेबल है यहाँ। तो गाइस अब मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन का घंटा दबा कर ही जाएं। यू गाइस लव यू ऑल, बाय बाय।